बिपिन सर का सालाना कमाई 7,25,000 ही है। जो भी ये मुखियाई का फॉर्म भरे थे खड़ा होने के लिए, उस समय पूरा इन्होंने अपना परिचय दिया था, उसमें अपना सालाना इनकम मतलब सब चीज देने का काम किया था, उसमें इन्होंने सालाना इनकम अपना बताया 7,25,000। लेकिन यूट्यूब से ये जो जितना पैसा कमाते हैं एक महीने में कोई नहीं कमा सकता। और ये क्लियरली बोलते भी है कि जितना सरकार हमें साल भर में देती है योजना लाने के लिए, मतलब योजना पर काम करने के लिए, वो तो 2 महीने में उतना पैसा कमा लेते हैं। बताइए, ये सालाना बोल रहे हैं कि 7,25,000 हमारा कमाई है, लेकिन फेंकने कुछ और है। देखिए, जो इंसान स्टार्टिंग में जुट वाला वो क्या करेगा, सोचिए। अब ध्यान से ये सोचने और समझने वाली बात है कि जो इंसान अपने एफिडेविट में, मतलब कहने का मतलब है कि अपने परिचय में, अपना जब इन्होंने समझिए कि निर्वाचन कराने का काम करा था, उस समय इन्होंने झूठ बोला कि सालाना 7,25,000 मेरा इनकम है। यानी झूठ बोलने का तो शुरू से इनमें आदत है। अब इनके पंचायतों का विकास छोड़ दीजिए, गाँव का भी सही से अपने विकास नहीं कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, पुस्तकालय बनवाए, पुस्तकालय का मरम्मत करवाए थे, बनवाए नहीं थे, बनवाए नहीं, मरम्मत करवाए हैं। खेल ग्राउंड लिए तो मात्र 5 साल के लिए मनी पड़ लिया, अनाज उनाज देने का काम करेंगे 5 साल के लिए। वो भी अपने पैसे से नहीं लिए, ये अपने दोस्तों से, अपने गांव वालों से चंदा वसूल कर लिए। जबकि बताइए, इनका इतना कमाई है फिर भी ये चंदा वसूल कर उसको खेल ग्राउंड को लेने का काम किए। कहने का मतलब ये हर काम में झूठ का सीमा पार कर रख दे। वो करवाए नहीं, सिर्फ मरम्मत करवाए। पुस्तकालय में जाइएगा, बिहार का सबसे बड़ा पुस्तकालय है। अब बिहार का सबसे बड़ा पुस्तकालय होते हुए 15-20 को उसमें किताब क्यों है, कुछ नहीं है। यानी कहने का मतलब सिर्फ झूठ 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 झूठ, ये झूठ का सीमा सिर्फ पार करते हैं, समझ रही ना। देखो, मेरे कहने का सीधा सा मतलब है कि ये जो ना एक कलंक का नाम कहिए, नहीं तो सीधी सी बात बोलिए, झूठ बोलने का सीमा वाला नाम इनको कह दीजिए कि झूठ शुरू से ही झूठ बोलते आ रहे हैं। अब बड़े बड़े मनीष कश्यप बार बार इसके पास नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि इनको पता चल गया है, इसलिए ये बहुत झूठ बोल रहे हैं। और याद रखिए, इनकी सच्चाई जानना है तो इनके पास जाइए, इनके पास जाएंगे तो भाई कोई इंसान अपना बुराई नहीं करना चाहेगा, इसलिए इनके प्रतिपक्ष मुखिया के पास जाइए, उसके बाद अन्य गांव में जाइए, इनके पूरे गांव का भ्रमण करिए, आपको सब पता चल जाएगा क्या सच्चाई है क्या सच्चाई नहीं है। अब इनके प्रति आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट करके बताइए। जय हिंद।